नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति राघव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएपी इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर के बारे में। आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा पूजा खेडकर के बारे में। जो पूजा खेडकर है, इनकी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी चर्चित हो रही है। तो एक आईएएस ऑफिसर है, तो ऐसी क्या बात है, इस तरीके की क्या न्यूज़ है, मतलब ये जो इतना न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो इनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो बच्चा नया आया है तो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पूजा खेडकर है वो एक आईएएस ऑफिसर बनी। 2022 में इनका सिलेक्शन हुआ। A21 इन्होंने रैंक हासिल की, ठीक है। A21 रैंक में, अब बच्चों के द्वारा एक क्वेश्चन है, A21 रैंक और ये एक आईएएस ऑफिसर बनी, मतलब आईएएस ऑफिसर का पोस्ट इतनी ज़्यादा रैंक में तो मिलता नहीं है। तो इनके द्वारा दो सर्टिफिकेट जो है वो यूज़ किए गए। अब दो सर्टिफिकेट कौन थे, वो थे एक पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन इनके द्वारा ले गया और एक ओबीसी का रिजर्वेशन। जबकि ना तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ओरिजिनल में हैं और ना ही ये मतलब और ना ही ये वो ओबीसी की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो एक अधिकारी हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छी खासी संपत्ति है इनके पास और अच्छे खासे मतलब लेवल है उनका और अच्छी खासी संपत्ति है, तो एक ओबीसी की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। तो इन्होंने एक पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन को खाया, एक सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की खाई। मतलब इन्होंने कहा था कि विजुअली कुछ दिक्कत है इनको और मेंटल दिमाग से रिलेटेड कुछ दिक्कतें बताई थी, ठीक है। तो इनके द्वारा ये सब चीज़ें बताई गई, जिसके वजह से इन्होंने पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवाया और ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया और उसके बाद मतलब वहाँ की रिजर्वेशन इनके द्वारा ली गई इन सब कैंडिडेट्स की। तो इन्होंने बच्चों की रिजर्वेशन खाई, ठीक है। फिर उसके बाद भाई ये कहा जाता है कि सिलेक्शन के बाद तो मेडिकल टेस्ट होता है, सेंटर्स पर इनको भेजा जाता है। क्या इनका वहाँ पे सेंटर्स में चेक नहीं हुआ? नहीं, वहाँ मतलब हुआ, सॉरी, मतलब हुआ, मतलब वहाँ पर इनको बुलाया तो गया, सेंटर्स पर इनको बुलाया गया जहाँ पर मेडिकल टेस्ट किया जाता है बच्चों का, लेकिन वहाँ पर इनके द्वारा जाया नहीं गया, ये गई नहीं वहाँ पर। मतलब पहली बार जब इनको बुलाया था तब इन्होंने कुछ कोविड पॉजिटिव बता दिया और बाद में भी कुछ रीज़न जो है इनके द्वारा मतलब कुछ एक्सक्यूजेस दिए जाने लगे। फिर बाहर से कुछ रिपोर्ट वगैरह बनवा कर वहाँ पर सबमिट कराई गई, तो UPSC की जो सेंटर्स हैं मतलब उनके द्वारा ऑब्जेक्शन उठाया गया कि बाहर से जो बनी हुई रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन किए गए। लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशंस हुई थी जिसकी वजह से जो बाहर की जो रिपोर्ट्स थी वो इनके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई और इनको एक एज अ सिलेक्टेड मतलब इनको एक आईएएस ऑफिसर बनाया गया। अब पोस्ट पर तो ये बैठी, उसके बाद इन्होंने पोस्ट पर बैठने के बाद इन्होंने उस पोस्ट का मिसयूज़ किया। अब मिसयूज़ कैसे किया, इन्होंने जो अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ थी, खुद के पर्सनल जो चीज़ें थी, पर्सनल गाड़ियाँ वगैरह, उस पर जो आईएएस ऑफिसर पे जो साइरन वगैरह लगाया जाता है उसको यूज़ किया, ठीक है, और खुद की पर्सनल चीज़ों की डिमांड की, जैसे कि इन्होंने अपने पर्सनल कैबिन की डिमांड की, ठीक है, पर्सनल कैबिन एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, खुद की पर्सनल चीज़ों का डिमांड की। फिर उसके बाद लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन उठाए गए, क्वेश्चंस किए गया, लेकिन फिर बाद में जब इनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की तब ये रिपोर्ट्स बाहर निकल कर आ रही है और भी चीज़ें इनके बारे में खोजी जा रही है, और भी चीज़ें इनके बारे में ढूंढी जा रही है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने गलत पावर का यूज़ किया। तो अभी ये चीज़ तो अब हमने देखी कि भाई ये सब चीज़ें गलत हुई हैं और इसी इन लोगों की गलतियों की वजह से जो रियल में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, रियल में जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, उनका कितनी बार मतलब कितने बार उनका टेस्ट किया जाता है, कितना उनको सहना पड़ता है, ठीक है, जो उनकी रिजर्वेशन को इन बच्चों के द्वारा खाया जाता है। बेचारे वो कैंडिडेट्स जो अपनी पोस्ट को मतलब उनको एक इतनी मेहनत करके उस लेवल तक पहुँचते हैं, उसके बाद उनका दोबारा से टेस्ट जो है वो होता है, कितनी काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। उसके बाद इन बच्चों के द्वारा जो अच्छे खासे पर्सन हैं उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन ले जाना एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है, इसके ऊपर सही में कार्रवाई होनी चाहिए। और अब क्या होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी, जो कि रियल के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी मतलब गलत रहेंगी। ओके, तो एथिकल यूज़ कंसर्न, अब इसमें क्या है, एथिकल जो चीज़ें हैं, मिसयूज़ और पावर का मिसयूज़ इसमें किया गया, ओके, ये सब चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें। तो जिसको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, जिसको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जो बच्चा इस चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और किसी तरीके का कोई डाउट हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, और जैसे भी इस वीडियो से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आती है इस टॉपिक से, तो हम अपने चैनल पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके।